गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जो ये आप मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक आपके एस्ट्रोनॉट का तस्वीर है जो इंडियन ओरिजिन की थी, जिनका नाम है आपका कल्पना चावला। तो हम लोग अगर बात करते हैं कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो आपका 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ था, जो करनाल के छोटे से शहर में हुआ था, जो आपका कहाँ है, हरियाणा में। आपका सिंस चाइल्डहुड से ही वो पढ़ने में काफी अच्छी थी, उनका साइंस बहुत ही अच्छा था। फिर उन्होंने क्या किया कि आपका बैचलर ऑफ डिग्री हासिल किया है नॉटिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद वो जो था आपका यूनाइटेड स्टेट जाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता इसके विरोध में थे। फिर भी वो अपने पिता को किसी तरह से मना के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई, और वहां पर उन्होंने मास्टर डिग्री आपकी हासिल की। उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका पीएचडी डिग्री हासिल की, और वो वहां पे क्या बन गए, सी बिकम अ रॉकेट साइंटिस्ट। वहां पे वो रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। फिर भी वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी और एक्सप्लोर करना चाहती थी क्या स्पेस में, कि स्पेस में क्या है। तो उन्होंने क्या किया, आपका लाइसेंस लिया, क्या उड़ाने का, आपका एरोप्लेन का उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया। उन्होंने एग्जाम दिया आपका, सिंगल इंजन मल्टी इंजन एरोप्लेन उड़ाया आपका, और जब उन्होंने एग्जाम किया तो उसमें वो क्वालिफाई बन गए और वो एक सेटिस्फाइड आपके पायलट बन गए। फिर उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की भी आपकी पढ़ाई की, और फिर वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर आपके बन गए। और उसके बाद उन्होंने ख़त्म नहीं हुआ उनका, वो और भी कुछ करना चाहते थे। फिर उनके लिए चैलेंजिंग था, उन्होंने फिर क्या किया कि नासा में स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। वो पहली ऐसी रिसर्च साइंटिस्ट थी नासा में जो इंडिया से थी, ठीक है आपकी, ठीक है। इन 1994 में जो था आपका, वो जो थी नासा में सेलेक्ट थी पहली महिला इंडियन जिसे ट्रेनिंग दिया जा रहा था आपका क्या एस्ट्रोनॉट की, मतलब अंतरिक्ष यात्री की। चावला को फिर आपका एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग देने लगी। फिर कल्पना चावला जो थी इंडियन थी, उन्हें जो है वहां की सिटीजनशिप लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहां के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जिसका नाम आपका जिन पैरी हैरिसन था, वहां उनसे शादी कर ली और वो इंडियन अमेरिकन सिटीजन बन गई आपकी। फिर कल्पना चावला पहली इंडियन और अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जिन्हें 1997 में जो इंटरनेशनल क्रू जो था आपका नासा का, उसके साथ स्पेस शटल उड़ाने का मौका मिला, जो कोलंबिया से पहला उनका मिशन था। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया से वो उड़ी आपकी। पहले स्पेस मिशन में जो था वो आपके 15 डेज 16 आवर और 34 मिनट तक आपकी क्या स्पेस में रही, और उस दौरान उन्होंने 252 टाइम्स जो है आपका अर्थ का चक्कर लगाया, और 10.45 मिलियन किलोमीटर तक उन्होंने पूरा क्या किया किलोमीटर तय किया आपका। वहाँ पे क्रू मेंबर्स के साथ उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे पॉलिनेटिंग प्लांट और टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। वहाँ पे उन्होंने पॉलिनेटिंग मतलब प्लांट उगाने की कोशिश की, और फूड को ग्रो होने की स्थिति को देखा, क्या वहाँ पर फूड ग्रो करते हैं कि नहीं। इसके अलावा उन्होंने टेस्ट किया कैसे स्ट्रॉन्गर मेटल बनाया जा सकते हैं, और फास्टर कंप्यूटर चिप कैसे बनाए सकते हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जो था वहां से आने के बाद, जब उनका सेकेंड मिशन था तो उसके लिए वो कोलंबिया से उड़ी, और वो मिशन उनके लिए ट्रेजेडी बन गया, बड़ी बहुत बड़ी घटना बन गई। जब वो 16 जनवरी 2003 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से आपकी उड़ी, तो वहां से वो जब गई स्पेस में तो 16 डेज तक वहां रही और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उनके साथ उनके 7 क्रू मेंबर्स भी थे जिन्होंने करीब 80 एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद जब वो स्पेस शटल के साथ वापस लौट रही थी, तो आपका क्या हुआ कि जब वो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर की, तो उनका स्पेस शटल अर्थ के एटमोसफियर के दबाव के कारण क्या टुकड़ों में बढ़ गया, और उनके साथ उनके जो 7 मेंबर्स थे वो भी क्या हुए, मर गया आपके। ये न्यूज जो था कोलंबिया से आपका पूरा इंडिया तक पहुंच गया ये न्यूज, और करनाल में उस रात को कोई भी नहीं सोया, थाउजेंड ऑफ हाउस मतलब हजारों घर आपके रात भर जगे रहे टेलीविजन सेट पे, इस होप में कि कल्पना चावला शायद और उनके क्रू मेंबर्स कहीं पे सर्वाइव हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर खबर आई कि सही में कल्पना चावला आपकी मर चुकी है, उनकी बॉडी तक नहीं मिली आपकी। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, कल्पना चावला मर गई। लेकिन आज भी जो है कई सारे यंग इंडियन जो गर्ल्स हैं उनके नजर में कल्पना चावला उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने एक छोटे से शहर से अपना कितना बड़ा नाम कमाया, आज सभी लोग कल्पना चावला को जानता है।
एक बार जब कल्पना चावला से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी ड्रीम थी, कुछ मेरे सपने थे, लेकिन उतने भी बड़े सपने नहीं थे, लेकिन जो लोग मेरे चारों ओर आते रहे वो मुझे इंकरेज करते रहे, और जो भी मुझे मैं करना चाहती थी उसे वो करते थे, अगर करना चाहते हो तो यू कैन डू इट एंड कैरी ऑन, और मैं बस करते चली गई और मैं इस मुकाम पे पहुंच गई आपकी। तो इस तरीके से कल्पना चावला जो थी आपकी इतने बड़े मुकाम पे पहुंची। तो आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज के इतना ही, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।